तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपकी एक मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ जिसको कि आपको नहीं करना है, और अगर आप कर रहे हो तो आपको इसको बंद कर देना है, क्योंकि दोस्तों इस मिस्टेक के कारण आपका जो यूट्यूब चैनल है वो टर्मिनेट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कई सारे जो लोग हैं, कई सारे यूट्यूबर हैं, उनके जो यूट्यूब चैनल है वो टर्मिनेट हो चुके हैं। यहाँ तक कि जिनके 1-1 लाख तक सब्सक्राइबर थे उनके भी यूट्यूब चैनल यहाँ पर टर्मिनेट हो चुके हैं इस मिस्टेक की वजह से, जिसको कि आपको नहीं करना है। दोस्तों ये जो मिस्टेक है ये मैं भी कर चुका हूँ और मेरे साथ भी हो चुका है। दोस्तों क्या है वो मिस्टेक और आपको क्यों नहीं करनी है, क्या है इसके इफेक्ट्स, सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो को शुरू। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लीजिए लाइक। तो चलिए करते वीडियो को शुरू। पहले बात कर लेते हैं कि इस मिस्टेक की वजह से आपका होगा क्या। इससे होगा कि आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो आ जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपके यूट्यूब चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इसी से आपके जो यूट्यूब चैनल है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये 100% श्योर है कि आपके यूट्यूब चैनल पर कभी ना कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएंगे। तो क्या मिस्टेक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी वीडियो डालते हैं कि जो नई मूवी आई है तो उसको फ्री डाउनलोड कैसे करें, या फिर कोई नया शो चल रहा है जो कि काफ़ी पॉपुलर है उसके बारे में आप डाल देते हैं, उसकी कोई भी क्लिप अपने चैनल पर छोड़ देते हैं, या फिर उसकी जो भी मूवी की कोई भी छोटी सी क्लिप अपने यूट्यूब चैनल पर छोड़ देते हैं, या फिर कोई भी सीरियल चल रहा है, कोई भी शो है उसकी जो क्लिप है या फिर उस शो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं, या फिर आप सबसे मेन चीज़ तो जो सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स गलती करते हैं वो ये है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर यह बताते हैं कि जो मूवी है उनको फ्री में डाउनलोड कैसे करते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट से। दोस्तों इससे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक देती है ये देती है एप्लेक्स, एक कंपनी है एप्लेक्स, जो कि दोस्तों आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देती है। और ये अगर कॉपीराइट स्ट्राइक इस कंपनी ने आपको दे दी तो दोस्तों बहुत ही कम चांसेस है कि आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक हटे, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पे भी इसने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी हुई है। दो कॉपीराइट स्ट्राइक इसने भेजी हुई थी जो कि दोस्तों सितंबर में दोनों की दोनों हट चुकी हैं। लेकिन दोस्तों वो किस लिए भेजी थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो हॉटस्टार है, आपको पता है जो हॉटस्टार है उसको मैंने फ्री वर्जन अपने चैनल पर बताया था कि इसका फ्री वर्जन कैसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों आपको ये भी नहीं बताना अपने चैनल पर कि कोई भी ऐप है जैसे हॉटस्टार वगैरह कोई भी ऐप है उसका आपको मोड वर्जन या फिर फ्री वर्जन या फिर कोई भी शो है वो पैसों में मिल रहा है, पेड में सब्सक्रिप्शन है उसकी, और आप बता रहे हैं कि उसको फ्री में कैसे चलाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं बतानी है। ऐसा ही मैंने बताया था ये हॉटस्टार को, आपको मैंने बताया था कि हॉटस्टार का जो फ्री वर्जन है वो कैसे डाउनलोड करें, तो मैंने कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से बताया था जिससे कि मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। और दोस्तों उस पर 17,000 से 18,000 व्यूज़ थे, और जो कि मेरा यूट्यूब चैनल पहले नया था, तो दोस्तों 17,000 से 18,000 व्यू एक नए यूट्यूबर के लिए बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों उस समय मेरे जो YouTube चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ गई, साथ ही साथ जो वीडियो है वो हट गई, व्यूज वगैरह हट गए। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है एक नए यूट्यूबर को। और साथ साथ जो दूसरी वीडियो थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो बनाई थी मैंने जो पर ZEE, जैसा कि आपको पता है जी का जो ऐप है उसके बारे में ये वीडियो मैंने बनाई थी। उसमें भी मैंने यही बताया था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो पेड शो आपको मिलते थे जिनके लिए आपको पैसे देने पड़ते थे वो मैंने बताया था कि उनको आप फ्री में कैसे कर सकते हो, फ्री में कैसे देख सकते हो। तो जैसे ही मैंने ये बताया तो इस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला आप लोगों का, और इस वीडियो पे 1 लाख से ऊपर व्यू आ गए। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख से ऊपर इस पर व्यू आ गए, और जैसे ही इस पर 1 लाख से ऊपर व्यू आए उसके बाद इस वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। और कॉपीराइट स्ट्राइक किसने दी, उसी कंपनी ने दी, एप्लेक्स ने। तो दोस्तों इसने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी, मैंने काफ़ी ज़्यादा इनको मेल करे, काफ़ी ज़्यादा इनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। और दोस्तों यही मिस्टेक मैं आपको बताने वाला था कि जो मिस्टेक मैंने की और काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स कर रहे हैं और जो कर चुके हैं वो मिस्टेक आप ना करें। तो दोस्तों यही चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला था कि ऐसी कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करें, व्यूज़ के चक्कर में आपका जो चैनल है वो टर्मिनेट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।